हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको जैव विज्ञान विषय में, मैं मीनू कुमारी प्रजापति, आज हम आपको आपका द्वितीय पत्र यानी सेकंड पेपर वस्त्र विज्ञान एवं परिधान के बारे में आपको पढ़ाना चाहते हैं। इस अध्याय में वस्त्रों की जानकारी के बारे में, उनका संरक्षण रखरखाव के बारे में, उनकी महत्व के बारे में आपको बताएंगे। तो उसका जो आपका सेकंड पेपर है वस्त्र विज्ञान एवं परिधान के बारे में, यह आपका द्वितीय पत्र है जिसे हम अध्ययन करा रहे हैं आज की वीडियो में। तो वस्त्र विज्ञान एवं परिधान, वस्त्र विज्ञान होता क्या है, वस्त्र विज्ञान कहते किसे हैं? आम भाषा में विज्ञान यानी साइंस, जो प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन होता है उसे विज्ञान कहा जाता है। इसमें उसके प्राकृतिक क्षेत्र, आसपास के वातावरण का अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार कला विज्ञान, प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञान का एक अलग महत्व होता है। तो आज का जो विज्ञान है वस्त्र विज्ञान से संबंधित है। वस्त्र यानी मनुष्य की जो मूलभूत आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा और मकान, तो ये मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है। लेकिन जो कपड़ा है मनुष्य की दूसरी मूलभूत आवश्यकता है। अमीर हो या गरीब, स्वस्थ हो, शिक्षित हो, अशिक्षित हो, सभी व्यक्ति वस्त्र पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वस्त्र एक ऐसी चीज है, हर व्यक्ति हर समय इसका प्रयोग करता है, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे घर हो, चाहे सफर हो, या बाहर हो, या कोई क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, प्रत्येक व्यक्ति अपना तन ढकने के लिए वस्त्रों का प्रयोग करता है। पुराने समय में, प्राचीन समय में व्यक्ति वस्त्रों के रूप में जंगल में घूमता था, तो आदिवासी होते थे, उन्हें वस्त्रों के बारे में ज्ञान नहीं होता था कि हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए। तो उस समय जो लोग थे वृक्षों की छाल, पशुओं की खाल से, जानवरों की खाल से, पेड़ पत्तों से, आदि से, हाथों से बने हुए वस्त्रों का प्रयोग करते थे। लेकिन आज के समय में व्यक्ति कपड़ों के क्षेत्र में अग्रणी रहा है, वो अपनी फैशन के अनुसार, अपनी स्थिति के अनुसार कपड़ों को पहनता है। तो आज जो वस्त्र बनाए जाते हैं वो मानव निर्मित होते हैं, जो मानव निर्मित रेशों से मिलकर बने हुए होते हैं, जो आपको नायलॉन है, पॉलीएमाइड है, डेक्रोन है, इस प्रकार से वस्त्र बनाए जाते हैं, जो रासायनिक पदार्थों से मिलकर बनाए जाते हैं। लेकिन प्राचीन समय जो वस्त्र होते थे सूती वस्त्र प्रयोग में लिए जाते थे। तो वस्त्र विज्ञान कहते कैसे हैं, आज का हमारा टॉपिक है वस्त्र विज्ञान, क्लॉथिंग टेक्सटाइल। वस्त्रों के उद्गम, विशेषताओं, गुणधर्म का अध्ययन ही, यानी जो वस्त्रों का प्राप्ति स्रोत है, उनकी विशेषताएं, उनके गुणधर्म ही वस्त्र विज्ञान कहलाता है। वस्त्र विज्ञान के अंतर्गत हम वस्त्रों का रखरखाव, साज सज्जा, उनका संरक्षण का भी ध्यान दिया जाता है। यह ही हमारा वस्त्र विज्ञान कहलाता है। आज वस्त्र हमारी केवल आवश्यकता ही नहीं, बल्कि आज यह शारीरिक प्रतिष्ठा, सांस्कृतिक एवं सामाजिक आवश्यकता बन गई है। व्यक्तित्व को सुंदर ढंग से विकास के लिए वस्त्रों का होना अति आवश्यक, यानी अपने जो व्यक्तित्व, अपना पर्सनैलिटी को निखारने के लिए वस्त्रों का पहनना अति आवश्यक होगा। पुराने समय में व्यक्ति कैसे भी वस्त्र पहनकर किसी प्रकार के प्रोग्राम कार्यक्रम में भाग लेता था, लेकिन आज के समय में वस्त्र को वो अपनी कार्य क्षेत्र यानी अपनी भूमिका के अनुसार पहनता है, अपने व्यक्तित्व में निखार लाता है। तो वह विज्ञान जो हमें वस्त्र निर्माण के लिए प्रयुक्त लघुत्तम इकाई, परिधान या अन्य क्षेत्रों में वस्त्र निर्माण करने का, उनका संरक्षण करना, उनका संचयन करना ही वस्त्र विज्ञान कहलाता है। वस्त्रों का प्रयोग पहनने, ओढ़ने, बिछाने, घरेलू कार्यों में, व्यक्तित्व के समग्र विकास में, इसके अतिरिक्त कई कारणों में वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। यही हमारा वस्त्र विज्ञान कहलाता है।
तो वस्त्रों का हमारे मानव जीवन में क्या महत्व है? पहला है आपका शरीर आवरण के लिए, टू कवर बॉडी। वस्त्रों का जो पहला महत्व है शरीर आवरण के लिए, मौसम से सुरक्षा, शारीरिक सौंदर्य एवं आकर्षक बनाने में, व्यक्तित्व निर्माण में, गृह सज्जा एवं सजावट के लिए, औद्योगिक उपयोग में, पहचान के रूप में, कार्य क्षमता बनाने में, सामाजिक प्रतिष्ठा में, मनोवैज्ञानिक सुरक्षा निस्तारण की सरलता में, वस्त्रों का महत्व इन क्षेत्रों में किया जाता है। तो पहला है आपका शरीर आवरण के लिए, यानी शरीर को ढकने के लिए वस्त्र एक प्रथम आवश्यकता है। प्राचीन समय में जिस अवस्था में मनुष्य जंगल में रहकर पशुओं की खाल, वृक्षों की छाल से बने हुए वस्त्रों को पहनता था, हाथ से बने हुए वस्त्रों को पहनता था, लेकिन आज के आधुनिक समय में, आज के जो दौर है, इस समय में व्यक्ति अच्छे से अच्छे अपने तन को ढकने के लिए कपड़ों का प्रयोग करता है तथा जो वस्त्र होते हैं हमारे लाश श्रम को बचाने के लिए भी पहने जाते हैं। बस मौसम से सुरक्षा जैसे धूप, शीत, बर्फ, गर्मी आदि से बचाव के लिए मनुष्य कपड़े पहनता है। मनुष्य जिस समाज में रहता है उस समाज के अनुसार ही अपने वस्त्रों को पहनता है तथा अपना शरीर को ढकता है। अब है आपकी मौसम से सुरक्षा। मौसम के सुरक्षा यानी मौसम बदलते रहते हैं, कभी बसंत ऋतु, कभी ग्रीष्म ऋतु, कभी शरद ऋतु, ये ऋतुएं आती रहती हैं। इन ऋतुओं के अनुसार ही वस्त्र पहने जाते हैं। वस्त्रों का उपयोग मौसम से सुरक्षा के लिए भी किया जाता है। जब सर्दियां होती हैं तो सर्दियों में उन्हीं वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है जिससे हम अपने शरीर को सर्दी से बचाते हैं। उसी प्रकार गर्मियों में सूती वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है, जो शरीर की जो नमी होती है, पसीना होते हैं, उसको सूखते हैं तथा गर्मी से हमारी सुरक्षा करते हैं। तो सूती वस्त्र होते हैं, गर्मियों में सूती वस्त्र पहने जाते हैं क्योंकि जो सूती वस्त्र होते हैं नमी सूखने के साथ साथ उन्हें गर्मी भी कम लगती है। गर्मियों में हल्के सफ़ेद रंग के कपड़े पहने जाते हैं क्योंकि यह रंग उनको परावर्तित करता है सूर्य की किरणों को, जिससे गर्मी कम लगती है तथा हमारे शरीर के लिए काफ़ी लाभदायक भी होते हैं। तो मौसम से सुरक्षा के लिए, सर्दी गर्मी से बचाव के लिए वस्त्र पहने जाते हैं, यही वस्त्रों का महत्व होता है। शारीरिक सौंदर्य एवं आकर्षक बनाने में, व्यक्ति के कई रंग रूप आकार होते हैं, कोई काला होता है, कोई गोरा होता है, कोई लंबा होता है, कोई नाटा होता है। तो अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए, अपने आप को सुंदर एवं आकर्षक दिखाने के लिए वह तरह तरह के साज सज्जा वाले वस्त्र पहनता है। जैसे कि व्यक्ति लंबा है तो अपनी लंबाई के अनुसार वस्त्र पहनता है, कोई व्यक्ति नाटा है अपने नाटे या अपने छोटे कद के अनुसार वस्त्र पहनता है जिससे उनमें उनकी लंबाई दिखाई दे। तो शारीरिक सौंदर्य यानी कोई व्यक्ति काला होता है तो अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए वह चमक धमक या तरह तरह के रंगों का प्रयोग पहनने में करता है। अतः हम कह सकते हैं शारीरिक आकृति यानी समृद्धि दोषों को छुपाकर अपने सुंदर दोषों को उभारना वस्त्रों का ही कार्य होता है। कैसा भी व्यक्ति हो लेकिन जब वह वस्त्र पहनता है तो अलग ही दिखाई देता है, वस्त्रों से उसका रंग रूप में निखार आता है तथा आकर्षक दिखाई देने लगता है। अब आपा व्यक्तित्व निर्माण में, पर्सनैलिटी फॉर्मेशन यानी व्यक्तित्व का निर्माण में जो हमारा सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, इसी प्रकार हमारा व्यक्तित्व विकास है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में कपड़ों का अधिक महत्व बताया गया है। व्यक्ति को सुंदर एवं आकर्षक बनाकर दिखाने के अतिरिक्त व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व को दिखाने के लिए वस्त्रों का प्रमुख योगदान माना गया है। उचित प्रदान यानी जो वस्त्र अच्छे होते हैं उनके पहनने से व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार आने लगता है। वो अपने कार्य क्षेत्र के अनुसार, अपनी पर्सनैलिटी के अनुसार वस्त्रों को पहनता है। नेक्स्ट है आपका गृह सज्जा में एवं सजावट के लिए। जब भवन निर्माण करते हैं, भवन निर्माण के समय भवन में कई प्रकार के कक्षों का निर्माण किया जाता है, जैसे रसोई घर है, शयन कक्ष है, अध्ययन कक्ष है,
बैठक कक्ष है, तो इन कक्षों में पर्दों के लिए तथा जो सोफे होते हैं, ड्रॉपरी होती हैं, टेबल मैट्स होते हैं, सोफा कवर होते हैं, कुशन कवर होते हैं, मेज पोस होता है, बेड कवर होते हैं, इनको कमरे के अनुसार अलग अलग रंगों में वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है ताकि जो कमरा है देखने में अच्छे एवं सुंदर दिखाई दे। तो इसलिए वस्त्रों का प्रयोग से उनकी आंतरिक भारी साज सज्जा सज्जा के लिए वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है। बिस्तर पर कमरे में मेल खाते यानी उनसे रंग से मिलते जुलते बेडशीट का प्रयोग करते हैं जिससे उनकी सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। अब आपका औद्योगिक क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र उपयोग में वस्त्रों का क्या महत्व है? औद्योगिक क्षेत्र यानी जैसे विभिन्न उद्योगों में वस्त्रों का उपयोग किया जाता है, तो बेल्ट है, टैप है, पैरासूट है, इनमें जो अच्छी क्वालिटी के रासायनिक तत्वों से मिलकर जो वस्त्र होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है ताकि उद्योग क्षेत्र में उन्हें कार्य करने में कोई परेशानी ना हो। तो औद्योगिक क्षेत्र में भी वस्त्रों का उपयोग किया जाता है। मोटर गाड़ी की गद्दी है, सीट है, फोम है, सिंथेटिक रुई भरे जाते हैं, देखने में सुंदर दिखाई देते हैं। कुछ उद्योगों में अभेद, जल अभेद, जीवाणु अभेद विशिष्ट गुणों से परिपूर्ण होने के कारण वस्त्रों का उपयोग किया जाता है। पहचान के लिए, तो वस्त्रों का महत्व पहचान के लिए कैसे, जैसे कोई चिकित्सक है, नर्स है यानी डॉक्टर है, तो अपने कार्य क्षेत्र के अनुसार वस्त्रों को पहनता है। सफेद कोट, जैसे कि वकील है तो काला कोट पहनता है, शिक्षक है तो साधारण वस्त्रों को पहनता है, अगर कोई जोकर है, कौन नाटक रंगमंच का कार्य करता है तो नाटक रंगमंच के अनुसार कपड़े पहनता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति पहचान के लिए वस्त्रों को पहनता है। कोई थल सेना है, वायु सेना है, जल सेना में है, तो उनकी अलग अलग ड्रेस होती है, उनकी अलग अलग यूनिफॉर्म होती है जिससे उनकी उस कार्य क्षेत्र के अनुसार उनकी पहचान होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वस्त्रों का उपयोग हम पहचान के लिए भी करते हैं जिससे उसकी पहचान होती है कि यह आदमी इस क्षेत्र में कार्यरत है। इससे हम देख कर ही पहचान सकते हैं कि यह वकील है, यह डॉक्टर है, यह नर्स है, यह थल सेना का व्यक्ति है, जल सेना का व्यक्ति है, पुलिस वाला है, यह हवलदार है। तो इन वस्त्रों के द्वारा उसकी पहचान होती है तथा उसका कार्य क्षेत्र की पहचान होती है। कार्य क्षमता बढ़ाने में वस्त्रों का उपयोग केवल तन लगने के साथ साथ कार्य क्षमता में भी काफ़ी महत्व होता है, यानी आज की भागम भाग जिंदगी में वस्त्रों को कार्य क्षमता के अनुसार ही पहना जाता है, क्योंकि वस्त्र जो तंग वस्त्र पहनते हैं जो कार्य के अनुसार उनके ऊपर सुटेबल नहीं होते हैं, ऐसे वस्त्रों को नहीं पहनना चाहिए। इसलिए कार्य के अनुसार, कार्य में कोई बाधा ना आए, कार्य क्षमता में बढ़ावा हो, ऐसे वस्त्रों को पहनना चाहिए। नेक्स्ट है आपका सामाजिक प्रतिष्ठा में, सामाजिक प्रतिष्ठा में वस्त्रों का किस प्रकार प्रयोग करते हैं? व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, समाज में अपनी मूल्य अभिप्रति, अपनी पहचान के लिए, अपनी मर्यादा मान्यताओं के लिए वस्त्रों का प्रयोग करता है, क्योंकि वो उसकी प्रतिष्ठा का सवाल होते हैं, वह समाज में अपने आप को आकर्षक एवं सौंदर्य में दिखाना चाहता है। जब कोई फंक्शन या कोई कार्यक्रम होता है तो बच्चे हैं अपनी पसंद के अनुसार कपड़े पहनते, नहीं मैं अच्छा लगना चाहूँ, तो अपने आप को सुंदर आकर्षक दिखाने के लिए, समाज में सुंदर दिखाने के लिए तरह तरह के रंग बिरंगे चटकीले वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। शादी विवाह, तीज त्यौहार, विशेष अवसरों पर उन्हीं अवसरों के अनुसार लाल वस्त्र सुसूचक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। मनोवैज्ञानिक सुरक्षा में, यानी मनोवैज्ञानिक इस तरह से साइकोलॉजिकल प्रोटेक्शन, किसी व्यक्ति के अंदर कोई हीन भावना उत्पन्न ना हो, उनके मनोवैज्ञानिक के अनुसार ही वस्त्रों का चयन किया जाता है। जैसे कि विद्यालय होता है, विद्यालय में विद्या ग्रहण करने के लिए प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक जाति के लोग अध्ययन करने के लिए आते हैं। वहाँ पर जो व्यक्ति, कोई विद्यार्थी गरीब भी होता है, कोई अमीर भी होता है, तो उनको समानता रखने के लिए, उनके अंदर कोई हीन भावना ना हो, उसके लिए सबके लिए समान ड्रेस यानी यूनिफॉर्म रख दी जाती है। उससे है प्रत्येक बच्चों के अंदर
यह भावना का विकास होता है। ना तो हमारा कोई गरीब है, ना कोई अमीर है, ना कोई ऊंच जाति का है, नीच जाति का है। उसकी जो मन की भावना को कैसे ना पहुंचे, मनोवैज्ञानिक भावना को कैसे ना पहुंचे, उसके अंदर हीन भावना पैदा ना हो, इसलिए उन्हें वस्त्रों के साथ में समान भावना का दर्जा दिया जाता है। निस्तारण एवं सरलता, जो वस्त्र होते हैं इनको पहनने के बाद इनका निस्तारण आसानी से कर सकते हैं। निस्तारण यानी कोई वस्त्र पहनते पहनते फट जाता है तो घर में दरी, बिछौने, नब्दा आदि बनाने के लिए डिस्पोजल नैपकिन आदि में इनका प्रयोग भी कर सकते हैं, तथा इस प्रयोग से पचान में फेंक दिया जाता है, इन्हें जलाकर या गाड़ भी सकते हैं। यानी जो वस्त्र है उनका प्रयोग करने के बाद, पहनने के बाद अन्य कार्य में भी उनका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आपका वस्त्र विज्ञान तथा वस्त्र विज्ञान के महत्व के बारे में अध्याय है।